हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। मैं हूँ शुभम, आप सभी देख रहे हैं KST और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो यार, जैसे कि आप सभी जानते हो, पबजी इंडिया में पूरी तरीके से बैन हो चुका है और क्या स्पेकुलेशंस है कि शायद पबजी वापस इंडिया में आ जाए। पर कब, कैसे करेगा पबजी का ऑपरेशन ये? इंडिया में बैन हुए हुए ऐप्स अभी तक टिकटॉक भी वापस नहीं आया है, तो पबजी आखिर ये करने कैसे वाला है? आज इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। बात करेंगे क्या पबजी एक्चुअल में इंडिया में वापस आ सकता है, क्या कोई स्टेप्स लेने वाला है वो। चलिए, ज़्यादा टाइम आप सभी का वेस्ट नहीं करेंगे, पबजी फैंस के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि पबजी कोई चाइनीज़ गेम नहीं है, आप सभी को पता ही होगा। अगर पता नहीं है तो पबजी एक साउथ कोरियन कंपनी ने बनाया हुआ गेम है। तो फिर पबजी बैन हुआ क्यों? क्योंकि पबजी का एक बहुत ही बड़ा फ्रेंचाइज टेंसेंट गेम, ये चाइनीज फ्रेंचाइज है, जिसके कारण पबजी एक्चुअल में बैन हो चुका है। अभी पबजी एकदम से बड़ा स्टेप तो उठा नहीं सकता, लेकिन पबजी ने कुछ ऐसा प्लान किया है। उनका ये मानना है कि गवर्नमेंट के स्टेप्स को हम अग्री करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हम ऐसा प्लानिंग चल रहा है पबजी का कि टेंसेंट गेम्स जो फ्रेंचाइज कर रहे हैं पबजी को, उनका फ्रेंचाइजरशिप इंडिया में निकाल दे। यानी कि क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पबजी गेम के फ्रेंचाइज है, वहाँ पर टेंसेंट गेम ही रहेगा उनका फ्रेंचाइज, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कोई एक नया फ्रेंचाइज ढूंढेगी पबजी कॉरपोरेशन। ऑल इन ऑल ये टेक्निक वैसे पबजी के लिए बहुत सही है, लेकिन अगर आप देखो एक एंगल से तो बाकी सारी जगह टेंसेंट गेम ही काबू किया हुआ रहेगा। और ये सब के पीछे का एक्चुअल में फंडा ये है कि चाइनीज़ एप्लीकेशंस के रूल बहुत ही ज़्यादा अजीब होते हैं, वो लोग कभी भी यूज़र का डेटा ले सकते हैं, जिस कारण कि ये इंडिया में बैन हो चुके हैं ऐप्स। और अगर आप देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर टेंसेंट गेम्स ही रहेगा फ्रेंचाइज, सिर्फ इंडिया में अगर और कोई फ्रेंचाइज है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि टेंसेंट गेम जो बाकी सारे जगह डोमिनेट कर रहा है फ्रेंचाइजरशिप में, यूज़र का डेटा ले पाएगा? ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है कि सिर्फ इंडिया में फ्रेंचाइजरशिप चेंज करने से क्या यूज़र का डेटा सेफ है या नहीं। और अगर पबजी ने ये कर दिया और उसके बाद उसे रिव्यू में लिया जाएगा, फिर इंडियन गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद वो एप्लीकेशन इंडिया में आ सकता है, तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है पबजी के लिए। और मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा जल्दी करे पबजी ये, उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि यूज़र ज़्यादा टाइम नहीं लगाते दूसरे नए गेम में इन्वॉल्व होने के लिए। तो पबजी अगर जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई सोल्यूशन लेके आता है, उनको अप्रूवल मिलता है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से फुल एंड फाइनल, तो शायद पबजी वापस आ पाए इंडिया में। लेकिन ये अभी के लिए तो बहुत ही लंबा प्रोसेस लग रहा है और थोड़ी दूर लग रही है ये, देखना पड़ेगा पबजी कब तक इंडिया में आ सकता है और क्या इंडिया में फ्रेंचाइजरशिप चेंज करने के बाद उसे अप्रूवल मिल पाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, क्या आप पबजी गेम जाने के बाद से दूसरे बहुत सारे गेम्स खेलने लगे और आपको शायद वो पसंद भी आ गया, क्या आप चाहते हो पबजी गेम वापस आ जाए इंडिया में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना। और कोई गेम खेल रहे तो बताओ यार, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएगा आप सभी के लिए। पबजी कब इंडिया में वापस आ सकता है, कोई एक्शन अगर पबजी लेता है इस पर, तो हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मुलाकात होगी आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक लिए देखते रहिए मेरे साथ KST TV। We'll be right back.